अपहरण हुए व्यापारी की झूठी निकली कहानी। अपने आप को अपहरण करने का रचा था व्यापारी ने षड्यंत्र, पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने किया है। पूरी घटना मैनपुरी जनपद में बीते दिनों थाना कृष्णी क्षेत्र निवासी बलराम सिंह पुत्र महाराज सिंह की गायब करने के संबंध में एक मुकदमा थाना कृष्णी क्षेत्र में दो नामजद तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय के निर्देशन पर टीमें गठित हुई। पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि अपहरण बलराम सिंह पुत्र महाराज सिंह थाना कृष्णी बेवर की तरफ से आ रहा था। तत्काल अपनी टीम को लेकर आगे की तरफ से घेरे तो अपहरण को बरामद कर लिया जा सकता है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और बेवर जोगा रोड बाईपास पुल के नीचे घेराबंदी कर अपहरण बलराम को बरामद किया है। पूछताछ में व्यापारी बलराम सिंह पुत्र महाराज सिंह ने बताया कि मुझसे गलती हो गई, हमारे गांव के प्रधान से चुनाव और रोजगार सेवक के पद पर पुत्री स्वाति के पूछताछ चयन को लेकर कहासुनी हो गई थी। सर, आज एक पुलिस ने अपहरण हुए व्यक्ति का खुलासा किया, सर पूरा मामला क्या था? 28/29 की रात को ये व्यापारी जो आपके सामने बलराम है, इसके घर वालों के द्वारा सूचना दी गई कि बलराम का अपहरण हो गया है और इन्होंने नामजद तहरीर थी एक गांव का प्रधान जो कि एससी कम्युनिटी का है और उन लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस पर पूरी टीम, सर्किल ऑफिसर, सर्विलांस की टीम और पूरे अधिकारी इसमें लग गए तत्काल, क्योंकि मामला सीरियस था। व्यापारियों के द्वारा इसमें आंदोलन भी किया जा रहा था। बाद में फिर घटना की पृष्ठभूमि, प्रधानी के चुनाव में हारने और अन्य कई मामले प्रकाश में आए। सर्विलांस के द्वारा इसमें लोकेशन जब जानकारी की गई तो जो घर वालों के द्वारा लोकेशन बताया जा रहा था उससे विपरीत दिशा में पाया गया। और फिर इसके अल्टोगत्वा इस व्यक्ति ने पूरे सिस्टम को गुमराह करके करीब 5 दिन तक सबको छकाए रखा। बाद में हमारी सर्विलांस की टीम इसका पीछा करते हुए मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से इसको एक बस में सवार होकर के भाग रहा था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो आरोपी प्रधान है उसको लंबे समय तक जेल में रखा जाए। ये आप देख रहे हैं पैसे करीब 4.5 लाख रुपए हैं, साथ में सामान्य कपड़े, दैनिक उपयोग के जितने कपड़े थे इस सब लेकर के लंबे समय तक ये भागने की फिराक में था, जिसे एक झूठी अपहरण की कहानी बना करके और अपने प्रतिद्वंदी को जेल भेजा जा सके। इस कृत्य के लिए हम लोग इसको विरुद्ध अभियोग दर्ज किया है और ये जेल भेजा जा रहा है।